तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 में आपको केमिस्ट्री के पोर्शन में कैसे 15+ मार्क्स लाने, बिकॉज अभी आपके पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं बेसिकली। तो अभी बात करते हैं कि केमिस्ट्री सेक्शन में अभी आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जितनी भी मैं अभी तक एडवाइस दे रही हूँ उसमें यही बोल रही हूँ कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लो, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक आपकी हो भी नहीं रखी तो क्या फ़ायदा, क्योंकि ऑर्गेनिक में समझने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करेंगे कि अभी रिवाइज जब आप कर रहे हो रिवाइज तो आपको कौन कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है। तो बेसिकली इनऑर्गेनिक में तो आपको सब चीज़ याद करनी है। तो एस ब्लॉक जो करोगे आप एनसीईआरटी से करोगे, पी ब्लॉक भी दोनों एनसीईआरटी से करनी है, और सरफेस और जीपीआई मतलब सरफेस और मेटलर्जी वाले नोट्स से करने हैं, और डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन भी नोट्स से ही करने हैं क्योंकि ये नोट्स से ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। और स्टेट ऑफ मेटल में आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, एंड केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में ईजिली एनसीईआरटी से हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक में इतना पार्ट कर लोगे तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। और इनके क्वेश्चन आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप नीट के एस पी ब्लॉक के नीट के क्वेश्चन कर सकते हो, सेम ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं ज़्यादा ईजी नहीं, तो आप सेम कर सकते हो, मतलब नीट के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो इनके लिए। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ ये तीनों चीज़ें करनी है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और एरोमेटिसिटी, ये आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, ये चार चीज़ें तो आनी चाहिए, बट उसके साथ ये चीज़ें भी आनी चाहिए। एंड उसके बाद करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलूँगी और केमिकल काइनेटिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाने, चाहे आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज लगाओ या कहीं से ढूंढ के लगाओ। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको नोट्स से करने होंगे, और यहाँ पे तो अगर आप इतना कर लेते हो केमिस्ट्री में तो आपके इजीली 15+ हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ से रिलेटेड बहुत से कमेंट आ रहे हैं और बच्चे पूछ रहे हैं कि इतने मार्क्स में मेरा यहाँ हो जाएगा, इतने मार्क्स में मेरा यह हो जाएगा। तो पहले अपनी तैयारी पे ध्यान दो, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है देन काउंसलिंग में बहुत टाइम होता है आपके पास ये चीज़ें पूछने का, ये चीज़ें मतलब उस टाइम पर भी यही होता है कि हाँ मेरे इस कॉलेज में हो जाएगा क्या, इस कॉलेज में हो जाएगा क्या। काउंसलिंग से एक हफ्ते पहले आपको पता चल जाता है कि हाँ काउंसलिंग होने वाली है, तो अभी आप फिर सबसे पूछते रहोगे। तो अभी मत पूछो ये क्वेश्चन, बाद में पूछ लेना। अभी बस अपना टारगेट लेके चलो कि 60+ लाना है मुझे, तो आपसे बात बता दिया जाएगी। आपके सेकंड राउंड में इतनी टफ गई थी 764 एंड 16 EWS के लिए, और तो इसमें से अगर आप अप्रॉक्स मानो तो ये सब समथिंग आपका जो था 50+ नंबर था, और इसमें आपका ये हो सकता है 40+ मतलब 32-38 तक था ये आपका, और ये आपका था 40+ मतलब ओबीसी के लिए तो 40+ था ही, और 1208 था तो ये समथिंग 38 या 39 तक गया होगा। और एससी और एसटी के लिए, एसटी में तो आपका 20 गया है और एससी के लिए आपका 30 गया है, तो आप इजीली अनुमान लगा सकते हो कि आपको कितने नंबर लाने। तो अभी किसी और से मत पूछो क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, और अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तो यही करने हैं आपको।